टेंशन हो गए, कैसा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है हम सबको। ये हम सारे सुपरस्टार सिंगर की एक फैमिली है जो कि आज हमने गणपति बप्पा के दर्शन किए, उनकी आरती की, हमें इतना मज़ा आया है आज। और हमने बहुत सारी प्रार्थना की है हमारे आने वाले परफॉर्मेंसेस के लिए और एलिमिनेशन राउंड के लिए। और मैं आपको एक स्पेशल कुछ बताना चाहूँगी कि अगले वीक से वोटिंग स्टार्ट हो रही है, सो प्लीज़ हम सबको वोट कीजिए, हमें बहुत ज़रूरत है आपके प्यार की। और आज आज गणपति बप्पा के जब आशीर्वाद लिया तो हमको ऐसा लगा कि साक्षात गणपति बप्पा हमारे सामने हैं, और हमने उनकी आरती भी की और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर है, और हम ऐसा सोच रहे हैं कि आने वाली परफॉर्मेंसेस हम और भी ज़्यादा यू नो फूर्ती से और भी ज़्यादा स्फूर्ति से कर पाएंगे, क्योंकि हम उतनी ही एनर्जी लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। और सारी बेस्ट विशेस जो भी है हम चाहेंगे, गणपति बप्पा से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें अपनी ब्लेसिंग्स दें और हम सब शो में अच्छा गाएँ। उससे ये अनुरोध करते हैं कि आप सब हमें वोट्स करें और अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखें। और मैं बोलना चाहूँगा कि गणपति बापा के मंदिर आज हम आए हैं सब, और हमारे शो के इतना ही नहीं आशीर्वाद, वो हमारे आगे के फ्यूचर के लिए भी गणपति बापा से हमने आशीर्वाद लिया है कि हमारा आगे जो फ्यूचर होगा उसमें ही आपके आशीर्वाद भी चाहिए हमें। और अभी वोटिंग भी शुरू हो रही है तो वोटिंग करने के लिए ना भूलेगा, और ऐसे ही आपके आशीर्वाद और ऐसा जो आप प्यार दे रहे हो ऐसा ही आगे तक देते रहिए। अभी गणपति बप्पा बहुत जल्द जाने भी वाले हैं, तो जब से शुरुआत हुई है तो कितनी एक्साइटमेंट थी यू नो दर्शन करने की, क्या चाहत थी? हम तो बहुत एक्साइटेड थे जब गणपति बप्पा हमारे घर में आने वाले थे, लेकिन जब गणपति बप्पा जा रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरा घर खाली हो गया, ऐसा लग रहा है। हाँ, और हम लोगों को जब मुंबई में आके हम लोगों ने देखा कि जब इतना बैंड बज रहा है, इतना खूबसूरत से गणपति जी का मतलब वेलकम किया, जब विसर्जन जा रहे हैं तब कैसा लग रहा है कि खाली खाली हो जाएगा मुंबई, फिर से पुरानी वाली वैसा हो जाएगा, मतलब वो धूम ही चला जाएगा। आप क्या कहना चाहते? हम ये कहना चाहेंगे क्योंकि हम सब अलग अलग स्टेट से हैं और हर जगह अलग अलग तरह से गणपति उत्सव मनाया जाता है, लेकिन हमको ये पता है कि मुंबई में सबसे अच्छी तरह से गणपति उत्सव मनाया जाता है, और इतने बड़े गणपति बप्पा एकदम साक्षात देख करके मजा आया। और क्योंकि हम सब अलग अलग स्टेट से हैं तो एक साथ इस तरह गणपति बप्पा के दर्शन करके हमें बहुत ही ज्यादा, और हमारे लिए एक इतनी बड़ी बात है, हम सब ने मिलकर आरती भगवान मतलब गणपति बप्पा की, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। एक सुकून सा मतलब एक सुकून सा महसूस हो रहा था, और मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि अंदर आती मतलब ऐसा लग रहा है कि अब जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, इधर ही बैठे रहेगा, इधर ही बैठे रहे बस। ओके लास्टली, और ये सब संभव हो पाया सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टार सिंगर के लिए, तो हम सभी सुपरस्टार सिंगर को बहुत सारे थैंक यू बोलेंगे, ताकि हम चलो एक साथ बोलते हैं मौका देने के लिए। हां चलिए आप सब बोलते हैं, वन थैंक यू। लास्टली इतना मजा आया तो क्या हम गणपति बप्पा के लिए कौन सा गाना गाना चाहोगे? गणपति बप्पा के लिए हम
पापा के दर्शन हो गए, कैसा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है हम सबको। ये हम सारे सुपरस्टार सिंगर की एक फैमिली है जो कि आज हमने गणपति बापा के दर्शन किए, उनकी आरती की, हमें इतना मज़ा आया है आज, और हमने बहुत सारी प्रार्थना की है हमारे आने वाले परफॉर्मेंसेस के लिए और एलिमिनेशन राउंड के लिए। और मैं आपको एक स्पेशल कुछ बताना चाहूँगी कि अगले वीक से वोटिंग स्टार्ट हो रही है, सो प्लीज़ हम सबको वोट कीजिए, हमें बहुत ज़रूरत है आपके प्यार की। और आज आज गणपति पापा के जब आशीर्वाद लिया तो हमको ऐसा लगा कि साक्षात गणपति पापा हमारे सामने हैं, और हमने उनकी आरती भी की और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर है, और हम ऐसा सोच रहे हैं कि आने वाली परफॉर्मेंसेस हम और भी ज़्यादा यू नो फूर्ती से और भी ज़्यादा स्फूर्ति से कर पाएंगे, क्योंकि हम उतनी ही एनर्जी लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। और सारी बेस्ट विशेज जो भी है हम चाहेंगे गणपति पापा से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें अपनी ब्लेसिंग्स दें और हम सब शो में अच्छा गाएँ, उसे ये अनुरोध करते हैं कि आप सब हमें वोट्स करें और अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखें। और मैं बोलना चाहूँगा कि गणपति बापा के मंदिर आज हम आए हैं सब, और हमारे शो के इतना ही नहीं आशीर्वाद, वो हमारे आगे के फ्यूचर के लिए भी गणपति बापा से हमने आशीर्वाद लिया है कि हमारा आगे जो फ्यूचर होगा उसमें ही आपके आशीर्वाद भी चाहिए हमें। और अभी वोटिंग भी शुरू हो रही है तो वोटिंग करने के लिए ना भूलेगा, और ऐसे ही आपके आशीर्वाद और ऐसा जो आप प्यार दे रहे हो ऐसा ही आगे तक देते रहिए। अभी गणपति पापा बहुत जल्द जाने भी वाले हैं, तो जब से शुरुआत हुई है तो कितनी एक्साइटमेंट थी यू नो दर्शन करने की, क्या चाहत थी? हम तो बहुत एक्साइटेड थे जब गणपति पापा हमारे घर में आने वाले थे, लेकिन जब गणपति पापा जा रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरा घर खाली हो गया, ऐसा लग रहा है। हाँ, और हम लोगों को जब मुंबई में आके हम लोगों ने देखा कि जब इतना बैंड बज रहा है, इतना खूबसूरत गणपति जी का मतलब वेलकम किया, जब विसर्जन जा रहे हैं तब कैसा लग रहा है कि खाली खाली हो जाएगा, मुंबई फिर से पुरानी वाली वैसा हो जाएगा, मतलब वो धूम ही चला जाएगा। आप क्या कहना हम ये कहना चाहेंगे क्योंकि हम सब अलग अलग स्टेट से हैं और हर जगह अलग अलग तरह से गणपति उत्सव मनाया जाता है, लेकिन हमको ये पता है कि मुंबई में सबसे अच्छी तरह से गणपति उत्सव मनाया जाता है, और इतने बड़े गणपति बप्पा एकदम साक्षात देखने में मजा आया, और क्योंकि हम सब अलग अलग स्टेट से हैं तो एक साथ इस तरह गणपति बप्पा के दर्शन करके हमें बहुत ही ज्यादा, और हमारे लिए एक इतनी बड़ी बात है, हम सब ने मिलकर आरती भगवान मतलब गणपति बप्पा की, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। एक सुकून सा मतलब एक सुकून सा महसूस हो रहा था, और मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि अंदर आती मतलब ऐसा लग रहा है कि अब जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, इधर ही बैठा रहेगा, इधर ही बैठा रहे बस। ओके लास्ट, और ये सब संभव हो पाया सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टार सिंगर के लिए, तो हम सभी सुपरस्टार सिंगर को बहुत सारे थैंक यू बोलेंगे, ताकि हम चलो एक साथ बोलते हैं मौका देने के लिए। चलिए एक साथ बोलते हैं, वन टू थ्री। बोल रहे हो मेरा हाथ नहीं कौन का होता है। लास्टली इतना मजा आया तो क्या गणपति बापा के लिए कौन सा गाना गाना चाहोगे? गणपति बापा के लिए हम गाते हैं।